हेलो फ्रेंड्स मैं हूं ब्रजेश कुमार साहू और मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है आज मैं आपको मतलब ऑनलाइन जो अभी टीचिंग हो रहा है पढ़ाई हो रहा है ठीक ना उस उसके लिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करेंगे किसी ब्राउजर में जाकर और उसमें आप विद्यार्थी पंजीयन और शिक्षक पंजीयन को किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करके उसमें लॉग करना है और किस टाइप से आपको पढ़ाई करना है उसको मैं बताऊँगा एक ब्राउज़र के माध्यम से ठीक जो अभी ऑनलाइन कक्षाएँ चल रही है तो वीडियो को पूरा देखें शुरू से अंत तक वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा तो चलिए आज का वीडियो यहीं शुरू करते हैं तो देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा सबसे पहले किसी भी ब्राउजर में जाइएगा गूगल या क्रोम में उसके बाद आप देखिए गूगल में जाने के बाद आप ब्राउजर में यहाँ क्या आपको सर्च मारना है आपको सर्च मारना है यहाँ सी स्कूल क्या सर्च मार यहाँ आपको लिखना है सी स्कूल ठीक सी जी स्कूल लिखने के बाद आपके यहाँ फ्रंट में आ जाएगा ये देखिए सी जी स्कूल डॉट इन करके आपके यहाँ आ जाएगा सी जी स्कूल डॉट इन करके इसको आपको क्लिक करना है यहाँ हम क्लिक कर दिए क्लिक करने के बाद आपका खुलेगा कुछ इस टाइप से सबसे पहले शुरू में आएगा इस टाइप से इंटरफेस है इसका होम पेज है इसको आप क्लिक कीजिएगा देखिए मैं यहाँ क्लिक करता हूँ क्लिक करने के बाद आपसे सर्च होगा ठीक ना सर्च में कि किसी अन्य ब्राउजर से खुलेगा क्रोम या फिर यूसी मिनी यूसी ब्राउजर जो भी आपके में रहेगा मोबाइल में देखिए मेरा नेटवर्क थोड़ा स्लो है इसलिए कुछ टाइम लगा रहा है तो देखिए इस टाइप से सी जी स्कूल खोलने के बाद आपसे इस टाइप से कुछ इंटरफेस आपके सामने आएगा तो यहाँ आपको क्या करना है सबसे पहले मैं बताता हूँ देखिए यदि आप नए हैं ठीक पहले से लॉगिन नहीं किया है तो आपको विद्यार्थी हैं आप तो विद्यार्थी पंजीयन में क्लिक करना है यदि आप शिक्षक हैं तो शिक्षक पंजीयन में क्लिक करना है ठीक तो सबसे पहले मैं आपको शुरू से बताता हूं कि आप विद्यार्थी पंजीयन किस प्रकार करेंगे ठीक तो विद्यार्थी पंजीयन करने के बाद फिर आपको आगे क्या करना है तो देखिए सबसे पहले विद्यार्थी पंजीयन को हम क्लिक करते हैं यहाँ देखिए मैंने यहाँ क्लिक किया क्लिक करने के बाद आपसे चुना जाएगा शिक्षा का प्रकार यहाँ है तो स्कूली शिक्षा महाविद्यालय शिक्षा आप जो भी मतलब जिस भी शिक्षक पढ़ाई करना चाहते हैं उसको खोल सकते हैं ठीक जैसे मैं यहाँ ले लिया मान लीजिए कि स्कूली शिक्षा ठीक स्कूली शिक्षा मैं ले लिया यहाँ अपना मोबाइल नंबर डालना है तो मोबाइल नंबर मैं डाल देता हूँ सेवन सेवन फोर सेवन शून्य नाइन फाइव वन थ्री फाइव ठीक मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ डाल दिया है मोबाइल नंबर डालने के बाद ध्यान से देखिए तो यहाँ आपका ओ को प्राप्त करें लिखा है ठीक ओ को प्राप्त करें इसको आपको क्लिक करना है तो मैं उसको क्लिक कर देता हूँ देखिए यहाँ क्लिक करने के बाद आपके इस नंबर पे ओ आएगा देखिए आपके मोबाइल नंबर पर ओ टी पंजीकरण के लिए भेजा गया है तो देखिए मेरे मोबाइल नंबर पर अभी ये ओ आया होगा मैं देखता हूँ देखिए मेरा मैसेज आ गया यहाँ मैं क्लिक करता हूँ अपने मैसेज पर क्लिक कीजिए और यहाँ ओ आ गया ठीक ओ है अस्सी बारह क्या है ओ टी पी अस्सी बारह अब देखिए मैं यहाँ अपना पूरा डिटेल डालना है जैसे अपना नाम तो नाम मैं डाल देता हूँ ये मेरे भाई का है इसलिए डाल देता हूँ विनोद कुमार साहू ठीक मेरे भाई का उसके बाद ईमेल ईमेल यहाँ डालना है आपको जो भी आपका ईमेल हो सॉरी मैं ईमेल डालता हूँ देखिए उसके बाद आपको अपना जीमेल डालने के बाद आपको अपना जिला चुनना है तो जिला मैं यहाँ चूज कर लेता हूँ जिला अपना सॉरी यहाँ देखिए जिला हमारा सूरजपुर सूरजपुर चूज कर लिए छत्तीसगढ़ अपना लिखा हुआ है पता हम डाल सकते हैं पता अपना विलेज डाल सकते हैं विलेज कैलाशपुर पोस्ट देवनगर ठीक वहाँ पासवर्ड पासवर्ड नया पासवर्ड आपको बनाना है ठीक तो मैं पासवर्ड बना लेता हूँ जैसे देखिए मेरा पासवर्ड है बना लेता हूँ विनोद एक दो तीन यहाँ देखिए फिर बना लेता हूँ एक दो तीन ए लिख लिया मैं अपना पासवर्ड आप कोई भी पासवर्ड अपने से बना सकते हैं उसके बाद ओ टी पी आपको दर्ज करना है ओ टी पी जो अभी मेरे में आया है ठीक तो मैं उस बार आपको दिखाया ओ टी पी मेरे में यहाँ आया है देखिए कितना आया है अस्सी बारह तो मैं ओ टी पी यहाँ दर्ज कर लेता हूँ ओ टी पी कितना है अपना अस्सी बारह अस्सी बारह ये ओ टी पी है उसके बाद यदि आपका ओ टी पी वहाँ से आप नहीं देख पाते हैं तो फिर आप यहां से आप यहाँ से ओ भेज सकते हैं देखिए ओटीपी पुनः क्लिक करेंगे तो पुनः ओ आपके में आएगा उसके बाद हमें यहाँ भरने के बाद पंजीयन करें में क्लिक करना है कहाँ क्लिक करना है अपने को पंजीयन करें यहाँ मैं क्लिक कर दिया उसके बाद देखिए आगे सर्च हो रहा है देखिए वहां से आप कर सकते हैं जब आप क्लिक करेंगे तो आपसे कुछ ए, ए, मतलब आपका बोल देगा कि आपको विद्यार्थी पंजीयन सक्सेस हो चुका है ठीक उसके बाद आपको क्या करना है होम पेज में जाना है होम यहाँ लिखा है ध्यान से देखिए तो यहाँ होम लिखा है ठीक आप इसको क्लिक कीजिएगा तो होम पेज में चले जाइएगा मैं यहाँ होम पेज में आ चुका हूँ इसके बाद आपको अब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है विद्यार्थी पंजीयन अब आपको लॉगिन करना है तो जब भी आपके में मतलब पढ़ाई होगा लॉगिन आप कैसे कर सकते हैं देखिए यहाँ आपको डालना है मोबाइल नंबर यहाँ आपको मोबाइल नंबर डालना है ठीक तो यहाँ आप क्लिक कीजिएगा तो ये मोबाइल नंबर है मेरा मैं डाल दिया इसमें मैं पहले से रजिस्ट्रेशन हो चुका है और मैं यहाँ अपना पासवर्ड डालता हूँ जो भी आप पासवर्ड बनाए रहेंगे जैसे मैं यहाँ डाल देता हूँ अब यहाँ से लॉगिन करना है ठीक लॉगिन पे क्लिक करने के बाद ही लॉगिन होगा आप देखिए आपको अपनी पसंदीदा पर क्लिक करें विद्यार्थी या कॉलेज विद्यार्थी तो विद्यार्थी पर क्लिक कर सकते हैं अब देखिए यहाँ आपसे क्या आ गया कि क्या आपको ऑफलाइन आप पढ़ते समय शिक्षक किसी पाठ को समझाने में बदले रटवाने का प्रयास करते हैं ये नो यहाँ से आप बाद में उत्तर देवे भी कर सकते हैं क्लिक ठीक तो यहाँ मैं क्लिक कर देता हूँ इसके बाद आपको कुछ इस टाइप से आया है तो यहाँ क्या आया है ध्यान से देखिए यहाँ आपका आया है सबसे पहले यहाँ सी बी एस सी डी एल एड और यहाँ आपका है जो अच्छे से नहीं दिख रहा है सी जी बी एस सी ठीक तो आप जिसमें भी प, मतलब जिस में भी हैं उसमें क्लिक कीजिए जैसे मैं यहाँ सी जी बी एस सी में क्लिक करता हूँ ठीक सी जी बी एस सी में क्लिक हो गया है यहाँ उसके बाद आगे जाएँ आगे जाऊँ में क्लिक करना है आगे जाऊँ में क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ सी जी बोर्ड उसके बाद आपको यहाँ क्लास चूज़ करने के लिए आएगा क्लास आप कोई भी क्लास के जिस क्लास से हैं यहाँ चूज़ कर सकते हैं जैसे मैं यहाँ आपको दसवीं का चूज़ कर दिखाता हूँ उसके बाद आपका है हाँ कोई भी सब्जेक्ट यहाँ से चूज कर सकते हैं ठीक जैसे सब्जेक्ट मैं चूज़ कर लेता हूँ ठीक उसके बाद आपको शिक्ष यहाँ लिखा है ध्यान से देखिए कि शिक्षक जो आज क्लास लेंगे ठीक उन शिक्षकों को भी आप यहाँ से देख सकते हैं देखिए शिक्षकों को जब क्लिक करेंगे तो ये शिक्षक आ जाएंगे मान लीजिए आप अपने टीचर से पढ़ना चाहते हैं तो आपके जो भी टीचर हैं उनका नाम इसमें दिख जाएगा यदि वो पंजीयन किए होंगे ठीक तो यहाँ अल्फाबेटिकल नाम रहता है मतलब पहले ए फिर बी फिर सी ऐसे लाइन से नाम आता है ठीक तो आप जो, के जो भी टीचर हैं जिस नाम से उस नाम से आप सर्च मार सकते हैं जैसे मैं यहाँ कोई भी नाम से मान लीजिए सर्च मार सकते हैं जैसे मान लीजिए मैं यहाँ इसको क्लिक किया ठीक क्लिक करने के बाद देखिए इनका आ जाएगा यहाँ देखिए इनका क्लास समाप्त हो चुके देखिए इनका पंजीयन करें यहाँ आ गया है देखिए तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण नीता सिंह द्वारा देखिए तत्व तो का आवर्ति वर्ग नीता सिंह द्वारा मैंने इस इन्हीं को क्लिक मारा हूँ यहाँ तो इनका क्लास होगा तीन बजे अट्ठाईस सितम्बर को आज तीन बजे मतलब पंद्रह मतलब बारह और तीन पंद्रह मतलब तीन बजे क्लास होगा यहाँ से आप पंजीयन करें में क्लिक कर सकते हैं उसके बाद आप तीन बजे यहाँ क्लास अटेंड कर सकते हैं आपके टीचर ने ग्रुप बनाया होगा उस ग्रुप में भी भेजेंगे तो वहाँ से भी आप अटेंड कर सकते हैं ठीक तो इस टाइप से आप विद्यार्थी पंजीयन में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और यहाँ से आपको लॉगिन करना है यहाँ से आपको लॉग आउट करना है तो इसको फिर से क्लिक कीजिए तो लॉग आउट हो जाएंगे जैसे देखिए मैं क्लिक करता हूँ यहाँ क्लिक करने के बाद मैं लॉग आउट हो गया आप देखिए फिर से मेरे को लॉगिन करना है तो यहाँ मोबाइल नंबर यहाँ पासवर्ड डालना है उसके बाद लॉग इन पर क्लिक करना है तो मेरा खुल जाएगा तो इस टाइप से आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है फिर आप जब भी लॉगिन करना चाहें कर सकते हैं तो आशा करता हूँ वीडियो आपको ये पसंद आया होगा मतलब आपको ज़रा भी समझ में आया होगा तो आप जी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो जो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं ठीक है और विद्यार्थी पंजीयन आज तक नहीं किया है या फिर शिक्षक पंजीयन तो यदि आपको वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय जै भारत